नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में हम एसटीसी की प्रथम और द्वितीय वर्ष में गणित शिक्षण के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि इससे पूर्व हम अध्ययन कर चुके हैं कि किस प्रकार हम भिन्न किसे कहते हैं, उसके प्रकार कौन कौन से हैं। भिन्न के बारे में हमने पढ़ा था कि किसी संपूर्ण वस्तु को समान भागों में बांटने पर उन भागों में जो संबंध होता है वह भिन्न कहलाता है। और भिन्न के प्रकार में हमने सम भिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न, समतुल्य भिन्न के बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम उसके उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि इस प्रकार सवाल को हल करना है। निम्न भिन्नों को बढ़ते क्रम में देखिए, यदि इस प्रकार का सवाल आता है जैसे 1/2, 2/5 और 3, 1/3 दे रखा है। अब इसमें हर है 2, 5 और 3, इनका एलसीएम लेना है। और इनका एलसीएम लेने के लिए यदि हम एलसीएम निकालते हैं 2, 5, 3 का, 2, 3, 5, इनका एलसीएम कितना हो गया है 10, 30। इनका एलसीएम कितना हो गया 30 हो गया। अब एलसीएम 30 हो गया है। अब इस एलसीएम निकालने के बाद में हम इससे इंटू करेंगे। यानी अब ये क्या है, 2 है, आग लगा है, कितना आया है 30 आया। तो 1/2 × 15 × 15 = 15/30, ठीक है ना। फिर इसी प्रकार 2/5 × अब 30 में 5 से डिवाइड किया 6 बार तो कितना आया 6 आया। 6 से इंटू कर दिया, यहाँ 12 हो गया है और यहाँ 30 हो गया है। फिर 1/3 × 3 से इसको डिवाइड कीजिए आप 30 को, 10 बार हुआ 30 आया, ठीक है ना। तो 10/10 तो 10/30। तो इसमें अंश क्या है, फर्स्ट में क्या है, छोटी संख्या हर कितनी, अंश कितना है 10। फिर बड़ी संख्या इससे 12/30 है, ठीक 15/30 है। यानी इस क्रम में लिखा जाएगा 10/30, 12/30 और 15/30। यानी इसका मतलब ये हो गया है 1/3, फिर 2/5 और फिर 1/2, ये आंसर होगा। तो इस प्रकार हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं। और इसी प्रकार ये आ जाए कि घटते क्रम में लिखिए तो भी हम उसको लिख सकते हैं। अब एलसीएम लेने के बाद में इस सम संख्या, इस सम संख्या के अंश के आधार पर हम इसको डिवाइडेशन करते हैं, ठीक है ना। हर तो 30 सब में हो गया, हर 30 बनाने के लिए आपको इससे जिससे इंटू करना है वो आपको इससे डिवाइड करने के बाद में पता चल जाएगा। फिर जिसमें अंश सबसे बड़ा आता है वह सबसे बड़ी संख्या होगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी होगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर दूसरा सवाल आता है
कुछ हल करने वाले सवाल निम्नलिखित प्रश्नों को जोड़ना है, घटाना है या मल्टीप्लाई है, डिवाइडेशन है, इस प्रकार के सवाल भी पूछे जाते हैं। तो हल कीजिए। हल कीजिए में दे दिया है, जैसे कि 1/5 प्लस 2 सही 1/5 और 1 सही 1/5। अब देखिए ये तो साधारण भिन्न है, ये मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। पहले डिवाइड इनटू करेंगे 2 और 5 को इनटू किया 10, 10 में 1 जोड़ा था 11/5 हो गया, प्लस इसको इससे इनटू किया 5, 5 में 1 प्लस किया तो 6/5 हो गया। ठीक है, इनका हर समान है तो 1 ही आ जाएगा, एलसीएम 5 हो गया, फिर अंश 1, 11 और 6 हो गया, इन सबको जोड़ेंगे 18/5 आ गया, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे 3 बार, 5 से 15 3 से 7, तो ये 3 यहाँ लिखा जाएगा और जो शेष बन रहता है यहाँ लिखा जाएगा और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार सवाल आपको करने हैं। इसी प्रकार हम योग, ये योगफल का देखा है, या योगफल आ जाए तो भी अपन को करना है। अब आगे एक और उदाहरण देख लेते हैं। योगफल कीजिए, देखिए योगफल कीजिए में कभी कभी संख्या ऐसी थी जैसे 7 प्लस 2/3 प्लस 9/10, इस प्रकार की जब संख्या देते हैं तो इसका हर कुछ नहीं दे सकता है तो अपन को 1 मानना है। अब 7, 3 और 10 का एलसीएम आया 30 आया है, 1 को इससे डिवाइड किया है 30 को तो 30 बार गया, 30 को 7 से इंटू किया तो कितना आया 7×21 = 210। 3 से इसको डिवाइड किया 10 बार, 10 को 2 से इंटू किया 20 आया, 10 को इससे इंटू किया डिवाइड किया 3 बार गया 3 को इससे इंटू किया तो 27, 7, 4 और 5 257/30। ठीक है ना, अब इससे 30 से हम डिवाइड करेंगे 257/30 = 24, 240 कितना है 8 सही 17/30 आंसर। ठीक है, इस प्रकार हमें सवाल को हल करना है। अब जैसे ये संख्या यहां दे रखी है बीच में भी दे सकते हैं, 2/3 पहले दे दिया, 7 बीच में दे दिया, तब भी हमें नीचे ही उसका हर कुछ नहीं दे रखा है तो हमें वहां पे ये 1 लिखना है। ठीक है, इस प्रकार हम कल इस भिन्न के मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।